नमस्कार। पिथौरागढ़ से आज के मुख्य समाचार। जल जीवन मिशन के अंतर्गत संचालित कार्यों को शीघ्र पूर्ण किया जाए। जिन योजनाओं की डीपीआर पास हो गई है उनकी टेंडर प्रक्रिया का कार्यादेश जारी करना सुनिश्चित करें। कार्यों में अनावश्यक विलंब बर्दाश्त नहीं होगा। यह बात आज जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने जिला कार्यालय सभागार में आयोजित जल जीवन मिशन के अंतर्गत संचालित कार्यों की प्रगति समीक्षा बैठक के दौरान कही। इस दौरान उन्होंने बैठक में डीडीहाट जल संस्थान के अधिशासी अभियंता के उपस्थित न होने पर नाराजगी प्रकट करते हुए वेतन रोकने के निर्देश जारी किए। साथ ही योजनाओं की प्रगति के सही आंकड़े प्रस्तुत न करने पर एपीडी का स्पष्टीकरण तलब किया। जिलाधिकारी ने ड्यूटी के दौरान लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को किसी भी कीमत पर नहीं बख्शने की चेतावनी भी दी। इस दौरान डीएम ने लक्ष्य शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश संबंधितों को दिए हैं। जिले में नशे की प्रवृत्ति पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाने व अवैध मादक पदार्थों की बिक्री व तस्करी करने वालों के खिलाफ पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह के आदेशानुसार पुलिस का अभियान लगातार जारी है, जिसके तहत थल थानाध्यक्ष हीरा सिंह डांगी व एसओजी प्रभारी प्रकाश पांडे की अगुवाई में मुखबिर की सूचना पर रेणुवसूल के निकट चेकिंग के दौरान सुनील लोहिया द्वारा कच्ची शराब बनाने पर उसे 10 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। साथ ही शराब बनाने में प्रयुक्त लगभग 600 लीटर लहन भी नष्ट किया गया। मनरेगा के अंतर्गत श्रमिकों के भुगतान व सामग्री के भुगतान की मांग को लेकर प्रधान संगठन के प्रदेश महामंत्री कुंडल मेहर की अगुवाई में आज ग्राम प्रधानों ने एक पत्र जिलाधिकारी को सौंपा। इस दौरान उन्होंने कहा कि मनरेगा योजना के तहत जहां ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों के साथ रोजगार भी मिला है, पर बीते 4-5 महीनों से श्रमिकों को उनके कार्यों का भुगतान नहीं हो पाया है, जिस कारण उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही कार्यों में प्रयुक्त सामग्री का भुगतान भी बीते लंबे समय से नहीं हुआ है। भुगतान न होने से श्रमिकों के सामने परिवार पालना भी कठिन हो गया है। संगठन के प्रदेश महामंत्री ने शीघ्र भुगतान को लेकर उचित कार्रवाई किए जाने की मांग की है। मनरेगा कर्मचारी संगठन ने बीते 11 माह से कर्मियों को मानदेय न मिलने पर नाराजगी प्रकट की है। कर्मियों ने अविलंब मानदेय दिए जाने की मांग को लेकर एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा है। ज्ञापन में कहा गया है कि मनरेगा कर्मियों को बीते 11 माह से मानदेय न मिल पाने के कारण उनके समक्ष रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। मानदेय न मिल पाने के कारण परिवार चलाना तो कठिन हो ही रहा है, साथ ही कई तरह की परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। मानदेय न मिल पाने के कारण कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं। मनरेगा कर्मियों ने आगामी 5 अप्रैल तक समस्या का समाधान न होने की दशा में कार्य बहिष्कार की बात भी कही है। पिथौरागढ़ के नया बाजार स्थित राजकीय कन्या जूनियर हाईस्कूल मंडप में रंगारंग कार्यक्रमों के साथ वार्षिकोत्सव मनाया गया। इस दौरान छात्र छात्राओं द्वारा स्वागत गीत, वंदना व सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई। वार्षिकोत्सव के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में खेलकूद, योगा, सामान्य ज्ञान व सांस्कृतिक कार्यक्रमों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम में विद्यालय प्रबंधन समिति की अध्यक्ष रेखा चंद्र द्वारा परीक्षा फल देने के साथ ही अव्वल स्थान प्राप्त बच्चों को पुरस्कृत किया गया। इस अवसर पर प्रधानाध्यापक हरीश पांडे द्वारा सभी का आभार व्यक्त किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रम भुवनचंद पांडे के नेतृत्व में संपन्न हुए। कार्यक्रम में संगीता बैसोड़ा, राकेश पुरी, अशोक पांडे, तनुज सिंह, चंद्रशेखर पंत, विद्यासागर पंत, संजय त्रिलोक व भरत आदि उपस्थित थे। संचालन रमेश जोशी द्वारा किया गया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। हमारे पिथौरागढ़ समाचार न्यूज YouTube चैनल पर नियमित खबरें सुनने के लिए हमसे जुड़े, समाचार सुने। धन्यवाद।